तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं लंबे दिनों के बाद एक वीडियो बना रही हूँ और ये है लोटस हर्बल्स न्यूट्रो नाइट स्किन रिन्यूएबल न्यूट्रिटिव नाइट क्रीम का रिव्यू। ये एक नाइट क्रीम है जैसा कि इसमें लिखा है, क्योंकि इसमें SPF नहीं है तो इसे आप दिन में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसे रात में इस्तेमाल करें। और क्योंकि इसमें ब्लैक बेरीज हैं, नेचुरली डिराइव्ड अल्फा हाइड्रोक्सी फ्रूट एसिड डिराइव फ्रॉम ग्रेप्स नरिशिंग गिनसेंग एंड लिली नेक्टर। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसमें है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। और बताया है एज अ रिजल्ट स्किन इज सप्पल एंड रिन्यूड इन द मॉर्निंग। सो कितना सप्पल है वो तो डिपेंड करते हैं आप कितना लंबा समय से इस्तेमाल करते हैं। मेरे इस्तेमाल करे हुए ऑलमोस्ट 2 हफ्ता हुआ है, इसलिए मैं इसका भी रिव्यू करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। वेल, ये इफ़ेक्टिव है, रियली ये इफ़ेक्टिव है और एक्सपेंसिव है थोड़ा। आप देख सकते हैं 455 फॉर 50 ग्राम्स है, गैस। हाँ, ये 50 ग्राम्स का 455 रुपीज़ पड़ेगा और ये सच में एक तरह से मिरेकल प्रोडक्ट है। एंटी एजिंग के लिए बिल्कुल एक और ना ही इसमें मेंशन है, पर जो यूथ है ऑलमोस्ट 25 है। मैं अपनी पर्सनल एज बता रही हूँ, मेरा 25 है और मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। जब मैं 30 हो जाऊँगी या फिर मैं शायद 26 में शायद मैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करूँ। बट ये मैंने जस्ट देखा था एक दिन, देख रही थी कुछ शायद इंस्टा पे, तो वहाँ पे मैंने देखा लोटस का ये प्रोडक्ट, तो मुझे काफ़ी पसंद आया इसके इंग्रेडिएंट्स। एंड लोटस की मैं बहुत पहले से फ़ैन रही हूँ, क्योंकि ये नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स बनाता है एंड सूटेबल है, आपको एक्ने ब्रेकआउट्स नहीं देता है इसलिए। और ये क्योंकि नाइट क्रीम है, नाइट क्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में कुछ दो या ना दो, सनस्क्रीन मस्ट, बट उसके अलावा कुछ दो ना दो इट्स ऑल राइट। बट नाइट में आपको रिपेयरिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जब मॉइस्ट बेस्ड, अगर आपका स्किन ड्राई है तो ऑफकोर्स ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स चाहिए, अगर आपका स्किन ऑयली है तो ऑफकोर्स जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स चाहिए। बट आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर चाहिए नाइट में फॉर स्किन रिपेयरिंग वट एवर इट इज़। सो उसके लिए ये ज़रूरी है, आप इसे बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जैसे मैंने आपको बताया मेरी 25 एज है और मेरी स्किन जो है वो ऑयली स्किन है, फिर भी मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्योंकि ये विंटर चल रहा है, अभी नवंबर दिसंबर का 1 दिसंबर है, सो विंटर में आप इसे बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑयली स्किन वुमन है। पर जब आप समर में इस्तेमाल करेंगे तो शायद ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाएगा, स्किन शायद पसीना पसीना हो जाएगा, सो कम अमाउंट आपको लेना पड़ेगा। पर अभी जो है मैं इसे बहुत ज़्यादा अमाउंट इस्तेमाल कर रही हूँ और स्किन मैं भरपूर तरीके से रिपेयर करना चाहती हूँ, एकदम डीपली नरिश, इसलिए मैं ज़्यादा अमाउंट लेती हूँ। एंड मैं लोटस का कुछ और भी प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, फेस वॉश, एक्ने ट्रीटमेंट का जो फेस वॉश है वो इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद टोनर, रोज टोनर, देन मैं विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करती हूँ, वो लोटस बोटानिकल्स का है, फिर भी लोटस है इसलिए, देन मैं इसको अप्लाई करती हूँ। सो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, बट इट्स ऑल राइट। आप सिर्फ फेस वॉश के बाद भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उतना बड़ा लंबा प्रोसीजर ना अप्लाई फॉलो करना चाहें तो। बस मैं यही बता दूँ इसके बारे में कि ये 90% इफेक्टिव है। आप खुद ट्राई करें एंड उसको टाइम दें, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तुरंत रिजल्ट नहीं मिल सकता, 2 दिन में बिल्कुल नहीं, 1 हफ्ता से शुरू होता है, 1 महीना पूरा उसका रिजल्ट देखने के लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। सो मैं खुश हूँ, आप भी, आपको भी रिकमेंड करूँगी अगर आप ड्राई स्किन से जूझ रहे हैं या फिर ऑयली स्किन से जूझ रहे हैं और विंटर है इस वजह से भी। सो यही था इसका रिव्यू, आई होप आप समझ आया होगा एंड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, हमें जानकारी देते हुए खुशी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।